सीमा बेटी, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, तुम आई नहीं। आप किससे बात कर रहे हैं? मैं आपको नहीं जानती। आप प्लीज मुझसे बात ना करें। सीमा, मैं तुम्हारी घबराहट समझता हूँ, लेकिन जब तक तुम अपनी परेशानी मुझे बताओगी नहीं, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। सीमा, तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम ज्यादा मुश्किल में आ गई? आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है। मुझे मेरे हाल में छोड़ दीजिए। मेरी वजह से कितनी जाने जा सकती है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिए आप। सीमा, स्कॉच हाफ सोडा हाफ आइस। Have a leg, please. तुम्हारा नाम बाबा है? क्या है? इस आदमी को पहचानते हो? कौन हो तुम? इंस्पेक्टर जौहर। यू आर अंडर अरेस्ट। हेलो इला जी, मैं आईजी श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। हाँ कहिए, कुछ हुआ? हाँ, पर इस बार जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। आपके लिए एक खुशखबरी है। क्या? रोहित पर जिन चार खूनियों ने हमला किया था उनमें से एक पकड़ा गया। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ख्याल है ये खिलौने अक्सर घूंगे होते हैं और इनकी घूंगी भाषा
सिर्फ पुलिस ही समझ सकती है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मैं आपको ये बता सकूंगा कि इन खूनियों को चलाने वाला रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। इस खुशखबरी के लिए मैं इंतजार करूंगी। थैंक यू। माँ आपने बुलाया? हाँ, रोहित की तबीयत कैसी है? वैसी है माँ, डॉक्टर्स अगर पूरी उम्मीद नहीं तो ना उम्मीद भी नहीं है। लेकिन क्या जो मैंने सुना है वो सच है? सुना है खूनी पकड़ा गया है। हाँ, आईजी साहब ने फोन किया था। किराए का खूनी छोटा मुजरिम होता है, लेकिन उसके जरिए पुलिस असली मुजरिम तक पहुंचे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मां, पुलिस जब चाहती है तो गूंगे पत्थर भी बोलने लगते हैं। रोहित के साथ जो हुआ है उसमें मैं भी पुलिस की मदद करूंगा। तुम क्या मदद करोगे? मां, आई एम सॉरी, मैंने उस वक्त आपको बताना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अब बताता हूं। जतिन अजमेरा ने रोहित के स्टे ऑर्डर को लेकर धमकी दी है। क्या धमकी दी थी? उसने कहा है कि आदिवासियों के साथ साथ वो रोहित का इंतजाम भी कर सकता है। और तुम चुपचाप खड़े सुनते रहे? मैं और सुन लू, ये कैसे हो सकता है माँ? हमारे रोहित को लेकर कोई धमकी दे और मैं सुन लू? नेवर। मैंने जतिन अजमेरा को उसी वक्त चेतावनी दे दी थी। मैंने कहा था उससे कि अगर रोहित को किसी ने हाथ तक लगाया तो वो हाथ काट के फेंक दिए जाएंगे। और रोहित को हाथ लगाया गया है मां, आज वो कोमा में है। मैं ये सब पुलिस को बताऊंगा। नहीं, पुलिस को अपना काम करने दो। एक गुमराह दूसरे गुमराह को राह दिखाएगा तो उसे भी गुमराह करेगा। रोहित ने हमसे बगावत की, उस पे हमला हुआ, तो शक अजमेरा पे ही जाना चाहिए, ये सभी को मालूम है। इस वक्त बेहतर यही होगा कि हम खामोश रहें। लेकिन मां, हम क्यों किसी को माफ करें? किसी को माफ इसलिए किया जाता है ताकि तुम्हें माफ किया जा सके। जतिन अजमेरा अगर खून के हद तक जा सकता है तो संजीत सिंघानी भी खून के हद तक जा सकता है। संजीत, मैं अस्पताल गई थी, रोहित को देखकर बहुत बुरा लगा। पता नहीं और कितने दिन वो ऐसे ही रहेगा। और उस रेशमा का क्या हुआ? उसकी जिंदगी भी रोहित की सांसों में अटकी हुई है। अगर रोहित को कुछ हो गया तो संजीत, उस खूनी का क्या हुआ जो पकड़ा गया था? उसकी तो पुलिस अच्छी तरह आरती उतार रही होगी, आज नहीं तो कल वो बकेगा जरूर। मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मैं तो उस कर्नल को लेकर परेशान हूं। लोग कितने छोटे होते हैं ना संजीत, रिश्तों की भी कीमत मांगते हैं। मुझे यकीन है कि ये कर्नल भी सीमा की तरह फाइनली पैसे ही मांगेगा। मेरा भी यही ख्याल है, और शायद सीमा को उसी ने बरगलाया है। तुम्हें क्या लगता है, इलाजी मानेंगे पैसे देने के लिए? नहीं, कभी नहीं। ब्लैकमेलर को एक तमड़ी भी नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें तो चमड़ी तक नंगा करके उन्हें उनकी औकात दिखानी चाहिए। यानी कि तुम पैसे देने के हक में नहीं हो? लेकिन अगर पैसे नहीं दिए संजीत, तो ये मामला अदालत तक भी जा सकता है। जाए तो जाए, मैंने तो मां से भी यही कहा है, जबकि मैं जानता हूं कि मां डर के कोई काम नहीं करती। कर्नल, सीमा, राहुल हमारी कमजोरी जरूर है, लेकिन मैं हमारी कमजोरी को उनकी ताकत नहीं बनने दूंगा। ये लोग वो भिखारी हैं जो हाथी पर बैठकर भीख मांगने आए हैं, लिहाजा इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए तो मिस्टर संजीत सिंह,
मुझे मजबूत लोग बहुत अच्छे लगते हैं। लुसियानो, आज रात को मैं अल्फा मामा डिनर पार्टी दे रहा हूँ। Only for VIPs. So please see to it that everything's in order. Right. Right? Excuse me, Mr. Sanjeev. क्या मैं आपको जानता हूँ या आप मुझे? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? Of course. Please sit down. Yes, sir. What can I do for you? मैं कर्नल बलराज। कर्नल बलराज। हाँ बेटा। मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो। बाप वो होता है जिसे अपने बेटे को अपना परिचय नहीं देना पड़ता। और तुम, I'm sorry, आप अपने किस किस बच्चे को अपना परिचय देंगे? बच्चे भी वो जो आपको जानना तक नहीं चाहते। तुम ये सब ना भी जानना चाहो तो क्या मेरा परिचय बदल जाएगा बेटा? तुम्हें उससे बात करने में एतराज क्या? मुझे आपकी प्रेजेंस, आपकी सूरत, यहां तक कि आपकी उस बकौती पर भी एतराज है जिसे आप यहां क्लेम करने आए हैं। बेटे जब पैदा होते हैं तो एक आदमी को बाप बना देते हैं। मेरी वजह से तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारा बाप हूं। अब बात करें कर्नल साहब, मैंने जब से होश संभाला है सिर्फ अपनी मां को देखा है। वो मां जिसने आज तक मुझे कभी अपने बाप की कमी नहीं महसूस होती। शतरंज का ऐसा कौन सा घर खाली है जिसे आप भरने आए हैं? शतरंज में घर नहीं देखना चाहिए। तुम घर में शतरंज खेला करते हो। इन कौन? यहां से जाने के लिए मुझे आपकी इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। मिस्टर निखिल, तुम निखिल हो ना? सर आप? मैं पहचानता हूं आप कौन है। निखिल, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? सर ये क्या कि आप शर्मिंदा ना करें। आपको हक है कि आप अपने बेटों से बात करें, बल्कि मैं खुद ही आपसे बात करने वाला था। आइए बैठिए। इतनी सी बात कहकर तुमने मेरे दिल को जो सुकून पहुंचाया है मैं बता नहीं सकता। खैर, तुम कह रहे थे कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो, कहो क्या कहना चाहते हो? सर आपने भी तो कहा कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। आप बड़े हैं इसलिए पहला हक आपका। निखिल, तुम्हें क्या लगता है अगर एक थका हुआ इंसान अपने घर लौटना चाहे तो क्या वो लौट नहीं सकता? माँ बाप के झगड़े में फैसला देने का हक बच्चों को नहीं होता, खास तौर पर जब ये ना पता हो कि गलती किसकी। आई एम वेरी हैप्पी, तुम्हारी सोच एकदम क्लियर, कोई उलझन नहीं, कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं, शायद इसीलिए तुम मुझसे नाराज नहीं हो। एक मिनट सर, माफ कीजिएगा, नाराज होने के बहुत से कारण हैं। जैसे?
सर, अतीत में क्या हुआ ये तो मुझे मालूम नहीं और नहीं मैं जानना चाहता हूं, लेकिन वर्तमान में जो कुछ हो रहा है उसे अनदेखा तो नहीं किया जा सकता। क्या हो रहा है वर्तमान में? आपने सीमा के जरिए मां से 100 करोड़ की डिमांड की है। तुमसे किसने कहा? जिसने भी कहा, क्या ये सच नहीं है? अगर मैं ये कहूं कि ये सच नहीं है तो तुम लोगों ने ये कैसे मान लिया कि 100 करोड़ की डिमांड मैंने की? मुझसे सच पूछ रहा है। तुम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि सच क्या है? कोई अगर सच ना बताए तो वो झूठी हो जाए, उसी कोई मजबूरी हो सकती है। मजबूरी बता दीजिए। तुम लोगों को मुझ पर इल्जाम लगाने की जल्दी थी, लेकिन मुझे सफाई देने की कोई जल्दी नहीं। Am I clear? Sir, would you like to join me for a drink? Yes, why not? Peter, 2 scotch and large. Sir, it's on the house, not from the home. सर, मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं रिसेप्शन पे बोल रहा हूं। तुम कहीं से भी बोल रहे हो? तुम्हारी की हिम्मत कैसे हुई कहने की कि मैं रूम खाली कर दूं? और अगर ये बेहुदा ऑर्डर तुम्हारी मालकिन नीला सिंघानी का है तो कह देना उसे ये होटल एक पब्लिक प्लेस, उसका घर नहीं, जहां से मुझे निकाल दो। चाहे पुलिस बुला ले या आर्मी बुला ले, मैं अपनी मर्जी से आया हूं और अपनी मर्जी से जाऊंगा। सर, रूम खाली करवा रहे हो संजीव साहब से? संजीव, तुम्हें क्या हो गया है? ये बात शराफत के ही नहीं, बिजनेस एथिक्स के भी खिलाफ है। आखिर होटल में रहने वाले गेस्ट को कैसे निकाल सकते हो तुम? वो हमारा गेस्ट नहीं है, वो चोरी से हमारे घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है और कर्नल का इस होटल में रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। संजीव, आदमी को जिंदगी में बहुत सी चीजें पसंद नहीं होती, इसका मतलब ये तो नहीं कि आदमी शराफत का दामन भी हाथ से छोड़ दे। अच्छा, वो तो यहाँ बहुत शराफत दिखाने आया ना। देखो, मुझे हिपोक्रेसी नहीं आती, जो आदमी मुझे पसंद नहीं मैं उसे पसंद करने का ढोंग नहीं कर सकता। और निकल, वो दोनों हमारे यहाँ रहकर हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करें और मैं इसे मने दूं? मैं इतना बड़ा साधु नहीं, ना ही मुझे तुमसे कुछ अच्छाई का तमगा लेना है। बात किसी तमगे या मेडल की नहीं है संजीव। अच्छा, बात बताओ, तुम्हें कैसे यकीन है कि वो दोनों तुम्हारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं? किसी गंदे को ये नजर आ जाएगा। हाँ, हर उस अंधे को नजर आएगा जो आंखें रहते हुए भी सिर्फ वही देखता है जो वो देखना चाहता है। अरे भाई, अगर तुमसे और कुछ नहीं होता तो कम से कम सच्चाई जानने के लिए इतना तो कर सकते हो कि एक बार फिर सीमा से मिल लो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा मेरे प्यारे भाई कि शायद सच्चाई तुम्हें अपना चेहरा दिखा दे। सीमा तुम्हारी बीवी है और अगर तुम उससे नहीं मिलना चाहते तो कोई बात नहीं, राहुल से मिलने के बहाने वहां चले जाओ। बेटे से भी कोई दुश्मनी नहीं है तुम्हारी, भाई देवे सीमा से बात कर लेना। सजीद, हो सकता है सीमा तुम्हें कोई ऐसी बात बता दे कर्नल साहब के बारे में जिससे तुम डेफिनेट स्टैंड ले सकते हो। शायद तुम ठीक है।